तो कांग्रेसियों ने किया है जोरदार स्वागत। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं राहुल गांधी और आपको बता दें बिलासपुर से ट्रेन से रायपुर पहुंचे हैं, इंटरसिटी ट्रेन से यहां रायपुर पहुंचे हैं राहुल गांधी और कांग्रेसियों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर तमाम मीडिया के कैमरों के बीच राहुल गांधी को कैप्चर करने की कोशिश के बीच ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर राहुल गांधी आज पहुंचे हैं और इंटरसिटी एक्सप्रेस से वो रायपुर पहुंचे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी थे, कांग्रेस के तमाम नेता थे, उनके साथ प्रभारी कुमारी शैलजा भी आई हैं रायपुर से, बिलासपुर से रायपुर। और ये तस्वीरें ट्रेन के अंदर की भी हैं और बाहर की भी, दो तस्वीरों के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं कि राहुल गांधी पहुंचे हैं राजधानी रायपुर। और पहली तस्वीरें सबसे पहले आईएनएस 24/7 पर आप देख पा रहे हैं जहां पर कांग्रेसियों ने मिलकर जोरदार स्वागत किया है राहुल गांधी का। तो ट्रेन से उतरते हुए अभिवादन करते हुए हाथ हिलाकर ये राहुल गांधी को आप देख पा रहे हैं और आपको बता दें कि राहुल गांधी बिलासपुर से पहुंचे हैं इंटरसिटी एक्सप्रेस से। ये रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं जहां आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस के प्रदेश के तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं। तो बिलासपुर से चलकर ये इंटरसिटी एक्सप्रेस पहुंची है रायपुर और बिलासपुर में उन्होंने कई सवाल खड़े किए, कहा कि जातिगत जनगणना कराने से क्यों डर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिलासपुर में जनसभा को संबोधित किया, जातिगत जनगणना पर सवाल उठाया और उन्होंने इसे देश की आज की सबसे बड़ी जरूरत बताया है। फिलहाल ये तस्वीरें आप राजधानी रायपुर की देख पा रहे हैं जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हैं। तो राहुल गांधी ने बिलासपुर में गरजते हुए बरसते हुए कहा कि बीजेपी का रिमोट कंट्रोल चोरी छिपे काम करता है, हम सबके सामने रिमोट कंट्रोल दबाते हैं, भाजपा का रिमोट कंट्रोल अरबपतियों के लिए चलता है और जब वे रिमोट दबाते हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण हो जाता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास दो प्रकार के रिमोट हैं। जब मैंने संसद में इस बारे में बात की, मैंने पीएम मोदी से अडानी के साथ उनके कथित संबंधों के बारे में पूछा तो मेरी सदस्यता रद्द कर दी गई, ये कहा राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए बिलासपुर में। फिलहाल ये तस्वीरें हैं जहां जोरदार बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस के पहुंचे हुए हैं अपने राहुल बाबा को रिसीव करने के लिए। राहुल गांधी ने ट्रेन से यात्रा की बिलासपुर से रायपुर तक और वो इंटरसिटी एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास में यात्रा करते हुए नजर आए। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सरकार के कई मंत्री, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सहित अन्य नेता भी मौजूद थे। आपको बता दें कि S1 स्लीपर कोच में 68 नंबर की सीट पर बैठकर राहुल गांधी ने यात्रा की। मैडम तो बुला लो, मैडम तो बुला लो, मैडम तो बुला लो।
आइए गाड़ी में।